सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती श्वेता शर्मा आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है छोटे उ की मात्रा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि छोटे उ की मात्रा हम कैसे बोलते हैं। छोटे उ की मात्रा हम नीची छोटी धीमी आवाज़ में बोलते हैं, जिससे हमें ऊ की मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है शब्द, ये अक्षर लिखा है ब, बा में छोटे ऊ की मात्रा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको नीची धीमी आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे बा पे छोटे की मात्रा बु। इस तरीके से हम अपनी आवाज़ को निकाल के मात्राओं का ज्ञान करते हैं। तो आज चलिए मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा पढ़ाऊंगी, आप सब भी ध्यान से पढ़ें और मेरे संग बोलें। ओके, ब, ब में छोटे उ की मात्रा बु, न, बु, न, बुन, ध, ध में छोटे उ की मात्रा धु, न, धु, न, धुन, स, स में छोटे उ की मात्रा सु, म, न, सु, म, न, सुमन, म, मा में छोटे उ की मात्रा मु, ग, ल, मु, ग, ल, मुगल, च, च में छोटे उ की मात्रा चु, न, मा, मा में छोटे उ की मात्रा मु, न, चु, न, मु, न, चुनमुन, मा, मा में छोटे उ की मात्रा मु, न, मा में छोटे उ की मात्रा मु, न, मु, न, मुन, मुन, मुन। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे इसको, ब, ब में छोटे उ की मात्रा बु, न, बु, न, बुन, ध, ध में छोटे उ की मात्रा धु, न, धु, न, धुन, स, स में छोटे उ की मात्रा सु, म, न, सु, म, न, सुमन, म, म में छोटे उ की मात्रा मु, ग, ल, मु, ग, ल, मुगल, च, च में छोटे उ की मात्रा चु, न, मा, मा में छोटे उ की मात्रा मु, न, चु, न, मु, न, मा, मा में छोटे उ की मात्रा मु, न, मा, मा में छोटे उ की मात्रा मु, न, मु, न, मु, न। इस तरीके से हमको छोटे उ की मात्रा को किस तरीके से आवाज़ निकालनी है, किस तरीके से बोलना है, उस इसी अनुसार आपको अपनी किताब में भी पढ़ना है। इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे और मेरे साथ आप सब भी बोलेंगे, बु, न, तो मिलाकर कैसे पढ़ेंगे इसको, बुन, धु, न, धुन, सु, म, न, सुमन, मु, ग, ल, मुगल, चु, न, मु, न, चुनमुन, मु, न, मुन, न, मुनमुन, बुन, धुन, सुमन, मुगल, चुनमुन, मुनमुन। यही सब आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी करेंगे। अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। और इसका हम गृह कार्य भी आपको देंगे घर के लिए, तो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आप अपने घर पर भी करेंगे। अब यह गृह कार्य बच्चों आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी करना है, और सुंदर सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी पे लिखना है, और फिर इसको लिखकर जब हम आपकी लाइव क्लास लेंगे तो आपको हमें बताना भी है कि किस किस ने ये कार्य अपने घर पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में किया है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।